ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ श्रीऋषुभ्यो नमः ॐ सहनाभवतु सहनौभ्यो नक्तो सह वी कर्वाब तेजस्वे नधी ओम मो शांत शांति 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 सर्वेभ्यो नमः देवाबाणि संस्कृतम् YouTube चलत्दृष्यम् प्रति भवताम् भवतीनांचा हार्दनं स्वाकतम् मित्रो संपूर्ण संधि प्रकरण की कक्षा संख्या चार को आज पढ़ेंगे तीन कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। आज चौथी कक्षा को पढ़ेंगे ठीक है? चलिएगा पुस्तक यदि आपने मंगा ली है तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा पुस्तक नहीं है तो फिर इसी के माध्यम से जितना समझ में आए उतना पढ़िएगा ठीक है तो गत कक्षा में मैंने आपको एक संधि पढ़ाई थी स्वर संधि का एक भेद पढ़ा दिया था दीर्घ संधि ठीक सवर्ण दीर्घ संधि ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आनी चाहिए और इसके विषय में जो विशेष बात बताई थी वो भी आपको अच्छे प्रकार से समझ लेनी चाहिए क्योंकि तभी संपूर्ण संधि प्रकरण आपको समझ में आ गया है माना जाएगा और आप किसी को समझा पाएंगे ठीक है चलिएगा अब हम चलते हैं आज हम पढ़ेंगे गुण संधि ठीक है इसको बोलते हैं गुण संधि ठीक है या गुण संधि इसमें गुण होता है ठीक है गुण होता है अर्थात क्या गुण होता है मैं आपको बता देता हूं दो वर्णों के स्थान में ऐसा गुण हो जाएगा इसमें एक तो कहीं पर भी ऐसा हो सकता है आर हो सकता है अथवा अल हो सकता है अथवा ए हो सकता है अथवा ओ हो सकता है ये माने इनका नाम वास्तव में हम यहां संधि एक मोटे मोटे रूप इनको गुण कहेंगे यदि हम कहते हैं गुण हो जावे तो हमें यहाँ पर संधि के प्रकरण में क्या समझना है या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा ठीक अब कहां पर कौन सा होगा ये भी अभी बता देंगे ठीक है तो जब ये गुण कहेंगे तो ये हमको करना है ठीक है अब चलिएगा इसका इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है कि गुण संधि कहाँ होती है यदि ये टिप्पणी है नंबर एक सूत्र है नीचे गुण संधि का सूत्र है वो सूत्र भी पढ़ाऊंगा उस सूत्र का अर्थ ये हिंदी में बता रहे हैं क्या बता रहे हैं आ या आ ठीक है के बाद हरस्व ई या दीर्घ ई आवे तो दोनों के स्थान में ए हो जाता है यदि इसके बाद में ई आ जाए अथवा ई आ जाए तो क्या हो जाएगा दोनों को आ और ई ए, आ ए को ए हो जाएगा अथवा इसके बाद में ये आए अथवा इसके बाद में ये आए तो भी क्या हो जाएगा ए हो जाता ठीक है नंबर दो और क्या समझना है यदि ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आवे तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है अर्थात इस, इस हृस्व आकार या ह्रस्व दीर्घ आकार के बाद में ऊ आवे या ऊ आवे तो इसको और इन दोनों इन दोनों को क्या हो जाता ओ हो जाता है और नंबर तीन में यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आवे तो दोनों के स्थान में आर हो जाएगा यदि इसके बाद में ये आ जाए या इसके बाद में ये आ जाए तो क्या हो जाएगा अर हो जाएगा इन इन दोनों के अथवा इसके बाद में ये आए या ये आए तो भी अर होगा ठीक है नंबर चार में क्या है यदि रि आवे तो दोनों के स्थान में अल हो जाता है क्या यदि इसके बाद में लि आ जाए अथवा इसके बाद में ल्री आ जाए तो इसका दीर्घ नहीं होता है इसलिए दीर्घ नहीं दिखाया तो इसके और इसके स्थान में क्या कर देते हैं अल कर देते हैं यही मैंने बताया था अभी आपको चार गुण कहने से हमें यहां संधि वाले प्रकरण में यह समझना है अल इस संधि का नाम गुण है अर्थात गुण संधि है मैं बता दिया था आपको अब आइएगा अब मैं आपका इसका महर्षि पाणनी का जो सूत्र है गुण संधि वाला वो अब आपको बताऊं। यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है देखिएगा ये ये लिखा हुआ आद गुण क्या सूत्र है ये आद गुण ये छठ में अध्याय का है अब इसका अर्थ मैं आपको संस्कृत में बता देता हूं जी ठीक है अर्थ अच्छी पूर्व यो अवर्ण अवर्णाच परच स्थाने एको गुणादेशो भवती संहितायाम विषय अच से पूर्व में जो अवर्ण अ, अवर्ण का अर्थ हो गया आ, अथवा आ ठीक है और अवर्ण से परे जो अच अच में हमने आपको बता दिया अच में सारे अच नहीं लेने हैं आपको अच में क्या लेना है आर अल और ए ओ, बस यही लेने हैं ठीक है थीके? यहाँ तो सामान्य बताया वहां पर विशेष करके उसको समझा दिया है क्योंकि तो इस सूत्र के और कुछ अपवाद आदि भी हैं, उनको सारा निचोड़ वहां समझाया है तो दोनों के स्थान में पूर्व अवर्ण के और अच्छ के दोनों के स्थान में क्या हो जाता है एक गुण आदेश हो जाता है गुण माने आर अथवा अल अथवा ए अथवा ओ वो बता दिया कहा, कहा, कहा कौन सा होता ये समझा दिया आपको ठीक है बस ये तो इसका अर्थ हो गया अब आ जाइएगा अब उदाहरण में यहां पर घटाते देखिए उपा प्लस इंद्र ये आ है के बाद में ई आ रहा है तो दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा ये दोनों ये भी ये ये अ और ये ई इन दोनों को हटा करके इसके स्थान में क्या कर देंगे ए कर देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो उपेंद्र इसी प्रकार से नण प्लस ईशा ये हृस्व इधर दीर्घ ई आ गया तो भी क्या आ और ई को क्या हो जाएगा ए हो जाएगा नण गणेश गणेश रमा प्लस ईशा तो ये दीर्घ आ गया आ और ये दीर्घ ई तो भी क्या हुआ रामेश यहां पर ये बस यहां दीर्घ का ही दिखाया इन्होंने इसे दीर्घ से दीर्घ का और गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वर यहाँ पर रस्व का इन्होंने दिखाया नहीं उदाहरण मिलते तो है ऐसी बात नहीं है जैसे ये जैसे सूर प्लस इंद्र सूरेन्द्र ये उदाहरण मैं दे दिया ठीक है ये आकार से उत्तर हृस्व भी मिल गया नहीं ये उदाहरण तो हमारे पास में था ये ऐसा तो था इसकी आवश्यकता नहीं है यहां देखना है हमको दी दीर्घ से उत्तर हृस्व का उदाहरण नहीं मिल रहा इनको कोई शब्द ऐसा नहीं होगा शायद नहीं होगा नहीं तो देते अवश्य ठीक है दीर्घ से उत्तर ह्रस्व इकारादि शब्द कोई नहीं आ रहा ठीक है इसलिए नहीं दिया आएगा कहीं मिले आपको तो आप कर भी लेंगे कोई परेशानी नहीं है ठीक है तो गंगा प्लस ईश्वर गंगेश्वरा हो गया वृक्ष प्लस उपरी तो देखिए आ के बाद ऊ आ गया तो वृक्षो परी आ ऊ को क्या हो गया ओ वृक्षोपरी प्लस ऊर्धम तो गगनोर्धम ये रसु से दीर्घ आ गया ठीक है यहाँ तो मिल रहा है तो ओ हो गया गंगा प्लस उदकम तो गंग आ और ऊ तो गंगोदकम ओ हो गया मायया प्लस ऊर्जस्वी तो माय ठीक है मायावी तो ये आसे दीर्घ को भी ओ हो गया ये और देखिएगा कृष्णा प्लस ऋ कृष्णि अब यहां पर क्या है से उत्तर री होगा तो क्या हो जाएगा दोनों के स्तन में अर हो जाएगा तो अर हो जाएगा कृष्णार्थी ठीक है देखिए इसको क्या किया इसमें से अ निकाल दिया और इसमें से री निकाल दिया और इन दोनों के स्थान में क्या जोड़ दिया अर अब इसमें कृष्ण हलंत में अर जोड़ेंगे तो क्या बन जाए कृष्णार्धि ऐसा बन जाएगा ये रेप ऊपर आ, आ जाएगा इसी प्रकार से ग्रीष्म प्लस ऋतु ग्रीष्मीघ रिकार का कोई उदाहरण नहीं मिल रहा मिलेगा ही नहीं प्लस ऋषि ही महर्षि ही। तो आसे री उतरा तो आ और री को अर हो गया प्लस रिद्धि महर्धि समझ में आ रहा है ना आ और हो गया कोरो तावा प्लस अल तावल तो इस आ और इस रि को क्या हो गया अल हो गया ये बताया था आपको तावलकारा ठीक है अब देखिएगा यदि आपको ये संधि नहीं आती है तो आप कहीं पर भी ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे इनका आप अर्थ लगा ही नहीं सकेंगी आपकी समझ में ही नहीं आएगा ये शब्द हैं क्या तो इसलिए आपको संधि अवश्य आनी चाहिए यदि आप संस्कृत साहित्य को पढ़ करके स्वयं समझना चाहते हैं तो ठीक है अब ये तो इन्होंने बता दिया जी ये सामान्य अब क्या होता है कोई भी नियम बनाते हैं हम क्या कोई भी नियम बनाते हैं तो वो नियम सौ प्रतिशत एकदम सब जगह नहीं लगता उसके लिए कुछ अपवाद भी होते हैं जैसे लोक में होता है भाई कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है श्रेष्ठ व्यक्ति को हम कहते हैं अच्छे कार्य करता है परंतु तो कभी उसे गलती भी हो जाती है तो वैसे ही यहां पर व्याकरण के क्षेत्र में है कि कोई भी नियम बनाते हैं। फिर उसमें बता देते हैं कि भाई देखो ये नियम यहां यहां नहीं लगेगा यहां यहां और कुछ हो सकता है ठीक है तो वो ही बता रहे हैं कि अब कुछ स्थल ऐसे हैं जहां पर यह नियम नहीं लगता वे नीचे दिखाए जाते हैं वे वे नीचे ऊपर वाला नियम जहां प्राप्त हो रहा है परंतु वहां नहीं लगेगा ठीक है उसके लिए वाकायदा सूत्र है वार्तिक आदि देखिएगा पहला यहां पर ले रहे हैं कहानी लगेगा ये क नंबर दो इस पर नीचे टिप्पणी सूत्र है बताएंगे अभी अक्ष बस इतना देखिए यहां पर क्या है ये अक्ष है आपका और ये है ठीक है अब यहां पर क्या हो रहा था उस सूत्र से उस नियम से आ और ऊ को ओ हो रहा था परंतु ओ कर देंगे तो ये शब्द गलत बन जाएगा क्या बन जाएगा ये ऐसा बन जाएगा ही और ये को व्याकरण के सूत्र से क्या हो जाता अणा हो जाता है ये यहां का विषय नहीं है अणा आगे बता देंगे ठीक है ये ये तो हमने आपको पढ़ाया ही है शा और री के बाद में नाकोणा हो जाता और बीच में व्यवधान कुछ का व्यवधान भी बताया था उनका व्यवधान होने पर भी तो उसी नियम से यहाँ पर नाकोणा हुआ है अब यहाँ पर क्या है यहाँ कहते हैं ये प्राप्त और ये शब्द क्या है गलत है यहाँ पर हमें संस्कृत साहित्य में क्या दिखता है औ दिखता है औ अक्षणी अक्षोहिणी गलत है तो यहाँ पर कहते हैं यहाँ गुण स्वर न ओ न होकर वृद्धि हो जाती है यहाँ पर कौन सी ये वृद्धि होती है वास्तव में जो आगे पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे माने वो नहीं होता यहां पर होता है इसके लिए सूत्र है बाकायदा ये सूत्र है अक्षाद उपसंख्यानम ये वार्तिक है ठीक है ये कहते हैं अक्ष शब्द से उत्तर ऊहिनी शब्द के परे रहते तो गुण नहीं होता है उसको तो वृद्धि आऊ होती है तो ये वार्तिक है वार्तिक से वहां पर रुक जाता है गुण गुण ठीक है और क्या बताते हैं आइएगा और आगे बताते हैं कहा नहीं लगता खा तीन ये सूत्र है आगे जब शब्द के बाद ईर अथवा ईरिन आते हैं तो स्व के आकार और ईर एर व ईरिन के ई के स्थान में आई हो जाता है ऊपर वाले नियम से क्या प्राप्त था ए, ए तो ये नहीं होता है यहां पर तो आई होता है अर्थ वृद्धि हो जाती है जैसे स्व प्लस ये ईर है पूरा ठीक है ई रहा ये भी ई ठीक है रहा तो आई हो गया ठीक है ये यहाँ पर वास्तव में ई रहा नहीं है स्वेच्छाचारी तो यहां पर क्या हो गया आग के बाद में ई को आ, दोनों को आई हुआ है स्वाईरडी ये ईरन का स्त्रीलिंग में बनाते तो ईरडी बन जाता है तो स्वईर ईर यहां ईर से हम इसके रूप चलाएंगे स्त्रीलिंग में इसको क्या बनता है ईरड़ी तो ईरणी भी आ जाएगा ईरण भी आ जाएगा तो स्वई रेणी तो यहाँ आ और ई को आई हो गया ऐसे स्व प्लस ईरम स्वईरम ठीक है ऐसे ही स्व प्लस ईरी ये ईरी वास्तव में इसी का है पुल्लिंग में जब रूप चलाते हैं तो ईरी चलेगा ठीक है और तो स्वईरी जिसका स्वेच्छानुसार आचरण करने का स्वभाव हो उसको बोलते हैं तो ये हो गया तो यहां पर गुण की प्राप्त था उसको मना कर दिया इसके लिए क्या सूत्र है इसके लिए सूत्र है यहां पर स्वाद स्वादी रे रेणो हो वार्तिक स्व शब्द से उत्तर ईर इर और ईरन ये हो तो गुण नहीं होता है उसको क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है आई हो जाता है ठीक है चलिएगा और ऊपर वाला सूत्र कहाँ नहीं लगता देखते हैं ग चौथा या नीचे टिप्पणी जब प्रकेवाद ऊह या ऊढ़ी या एश या ऐश एश आते हैं तो दोनों के स्थान पर संदक्षर गुण स्वर न होकर वृद्धि स्वर होता है वृद्धि का अर्थ है यदि प्र के बाद में ऊह या ऊढ़ी आएगा तो उसको औ होगा क्या होगा औ ठीक है और बाद में ए एशा आएगा या अष आएगा तो आ और ए को क्या हो जाएगा आई होगा ऐसा प्राप्त क्या था पूर्व वाले सूत्र से माने ये तो इसमें तो प्राप्त नहीं था इसमें प्राप्त था ध्यान देंगे ठीक है इसमें ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें इसमें तो गुण प्राप्त नहीं था नहीं प्राप्त था ठीक है ये तो अपनी तरफ से ये एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं अभी आगे के आगे के लिए ये बाद में ऊह या उड़ी आएंगे तो क्या प्राप्त हो रहा था ओ तो उसको औ कर दिया ठीक है तो संदक्षर गुण न होकर के वृद्धि स्वर होता है तो इसको वृद्धि बोलते हैं व्याकरण में इनको क्या बोलते हैं वृद्धि आगे आएगी अब देखिएगा इसके लिए सूत्र है यहां पर सूत्र देखते हैं फिर उदाहरण दिखा देते वार्तिक है प्रादू हो प्र से उत्तर ऊह या ऊढ़ी और एश और इन शब्दों के रहते हुए क्या हो जाता है वृद्धि हो जाती है आउ और आई होता है ठीक है अब आइएगा अब इसके उदाहरण इन्होंने बताए हैं उसको देख लेते हैं अब पर गुण प्राप्त था तो क्या प्रऊहा ऐसा कर दिया ठीक है वृद्धि कर दी प्राउा प्रऊ ये नीचे बिंदी नहीं गलत लिखी हुई है प्रऊ ये हिंदी में प्रऊढ़ कहते हैं पर संस्कृत में तो नीचे बिंदी वाला कोई वर्ण नहीं है तो ये बिंदी गलत लिखी है प्राऊा प्रऊ ऐसे ही प्राऊढ़ी प्राउड है पर क्या हो गया अव कर दिया अब ये तो है। ये वाला अभी के लिए नहीं ये है ये वाली संधि हम आगे पढ़ेंगे वास्तव ठीक है उसका अपवाद है ठीक है एक सूत्र है पर रूपम आगे आएगा उसके लिए बता रहे हैं कि प्रा प्रैशाह प्रैश्या यहाँ पर जो आगे हम एक सूत्र पढ़ेंगे वो सूत्र प्राप्त हो रहा था वो सूत्र क्या कर रहा था प्राद में ए को दोनों के स्थान में ये कर रहा था ठीक है और यहाँ प्रवाद में एश में ए ए है तो आ और ए को ए कर रहा था तो इसने मना कर दिया नहीं यहाँ पर एको और अको एक होगा ठीक चलिएगा कहते हैं यहाँ पर ये इनमें प्रथम तीन उदाहरण गुण सूत्र माने गुण संधि के निशा गुण संधि वाली प्राप्ति के ये है उदाहरण यहाँ गुण संधि प्राप्त हो रही थी तो उसका अपवाद कह दिया नहीं यहाँ वृद्धि हो जाती है अब होता है अंतिम दोनों ये जो अंतिम ये वाला उदाहरण और ये वाला उदाहरण वास्तव में किस सूत्र के आगे संधि सूत्र हम पढ़ेंगे एनी पर रूपम के अपवाद है। क्या एनी पर रूपम बस आप ये समझ लीजिएगा अभी एंगी पर रूपम अभी तो पढ़ाना नहीं आपको एंगी पर रूपम क्या कहता है कि अवर्ण से उत्तर ये ए होगा ठीक है तो क्या हो जाएगा उसको ये यहां पर आई आई नहीं होगा ए ही होगा पररूप हो जाएगा मैंने ऐसा हो जाएगा तो ये ऐसा प्राप्त हो रहा था तो उसका अपवाद है ठीक है ये ध्यान रखेंगे ये दोनों उदाहरण हम एंगी हम पर भी आपको बता देंगे ठीक है चलिए ये हो गया आपका तो यहां पर भी गुण संधि नहीं होती है इन तीनों उदाहरणों में अब हो गया आपका अब आ जाइएगा घ घा ये इसमें सूत्र है नीचे यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में ह्रस्वर री हो तो आ और री के स्थान में आर वृद्धि नित्य हो जाती है देखिएगा समझ लीजिएगा उपसर्ग है आपके पास में उपसर्ग आप जानते हैं बाईस उपसर्ग है उन उपसर्गों में जो ह्रस्व अकारांत उपसर्ग हैं मैंने अकारांत उपसर्ग है कहने का तब अकारांत अकारांत का मतलब हो गया आ, आ जो भी है तो उसके बाद में कोई धातु मैंने धातु रूप है तो धातु का री होना चाहिए उसके आदि बाद वाले शब्द के आदि में धातु का री होना चाहिए धातु तो क्या होगा वहां पर ये गुण नहीं लगेगा वहां पर क्या हो जाएगा अ और री को आर हो जाता है ठीक है इसके लिए क्या सूत्र है ये सूत्र है देखिएगा उपसर्गा धातु ठीक है उपसर्गा धातु इसका मैं आपको अर्थ बताने का प्रयास करता हूं यदि सूत्र का पीढ़ी बना दिए मैंने ठीक है ये है। ये कहता है उपसर्गात उपसर्गा धात परता पूर्ण स्थाने वृद्धि विषये अवर्णांत से अवर्णांत कोई उपसर्ग है उसके बाद में रिकारादि किसी धातु के परे रहते धातु मन धातु से बना हुआ कोई रूप है वो उसके परे रहते हैं और धातु री धातु में बनी हुई है तो दोनों के स्थान में वृद्धि होती है गुण नहीं होता आद गुणा इत्यस्य अपवाद हो वास्तव में आद गुणा का अपवाद है आद गुणा की प्राप्ति थी और गुण की प्राप्ति थी तो इसने कर दी वृद्धि ठीक है चलिए अब वो आपको हम यहां बताते हैं इसमें देखेंगे जैसे उप उपसर्ग रिच्छति रिच्छति में रिच्छ, ये री क्या है? धातु का री है आपको पता ही है? तो यहां पर क्या गुण प्राप्त था तो वृद्धि कर दिया आर कर दिया ये आर क्या है वृद्धि को आर आर को वृद्धि बोलते हैं व्याकरण में और प्रारिच्छति प्रार्छति ये बन गया ठीक है तो यहां पर भी हो गया अब कहते इसमें भी एक नियम है <laughs> पूरा एकदम क्लियर करेंगे इसी लिए इसको संपूर्ण संधि बता रहे हैं किंतु यदि नाम धातु हो तो आर विकल्प से होगा यदि ये री नाम धातु का होगा अब आप कहेंगे नाम धातु क्या होता है एक तो धातु पाठ में पड़ी हुई धातुएं हैं नाम धातु आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हो व्याकरण के अंदर कुछ शब्दों से शब्दों से धातुओं को बना लेते हैं क्या है शब्द से निर्मित धातु को नाम धातु कहा गया है यहां अभी उदाहरण में देखेगा आप ठीक है एक तो धातु पाठ में पड़ी हुई है सारी धातुएं उसके अलावा कुछ शब्दों से भी निर्मित धातु हैं तो वो नाम धातु यदि नाम धातु है और उसका आदि री है तो वहां पर क्या होगा उसको गुण भी हो जाएगा और उसको वृद्धि भी हो जाएगी उसको आर भी हो जाएगा उसको अर भी हो जाएगा जैसे जैसे प्राप्ल ऋष भी अति यहां पर क्या है ये ऋष भी ऋष भी ये वास्तव में क्या है री या भा क्या रिशा भा, ये ऋषभ शब्द से बनी हुई धातु और धातु का रूप है ये नाम था पहले ऋषभ बैल तो इससे बनी हुई धातु और इसका ये री है ये धातु पाठ की धातु नहीं है ऋषभी अति ध्यान भी जो है धातु पाठ की नहीं है तो यहां पर क्या विकल्प होगा प्रा अभी यहाँ पर क्या हो जाए वृद्धि हो जाएगी प्रार्षा तो आर हो गया और नहीं हुआ तो प्रारसा भी वैल की तरह आचरण करता है तो धातु में रि वाले विषय में विकल्प कर दिया गुण भी कर दिया वृद्धि भी कर दी ठीक है चलिएगा ये हो गया आपका अब है हमारा आगे इसका मैंने आपको सूत्र बता ही दिया ठीक है अब आगे हमारा इसका अपवाद इसी में न तीन नंबर जब रित शब्द के साथ किसी पूर्वगामी शब्द का तृतीय समास हो तब भी पूर्वगामी अ और रित के री से मिलाकर आर बनेगा आर नहीं होगा माने वृद्धि होगी इनका कहने का भाव है कि रित शब्द है रित ठीक है तो देखिएगा तो क्या पूर्वगामी पूर्वगामी का अर्थ है क्या रित शब्द के साथ में रित से पहले कोई शब्द है कोई भी शब्द है जिसका रित के साथ में समास हुआ है और रित शब्द अंत में है उससे पहले कोई शब्द है तो उस शब्द का जो आ होगा माने पूर्व वाला जो शब्द होगा समास में वो अवर्णांत होगा क्या होगा अवर्णांत तो वहां पर भी रित शब्द का यहाँ पर आ, गुण प्राप्त होता है तो उसको मना कर दिया कि रित शब्द में तृतीय समास होगा तो तो नहीं होगा जैसे सुखे नीता सुखे नीता प्लस रिता बनेगा अब ये तृतीय समाज कर रहे हैं हम तृतीय समाज कर रहे हैं तृतीय समाज में हम इसको क्या समाज होकर के क्या बनेगा सूखा और रिता। अब ये आ है और ये री आ गया तो यहां पर क्या गुण प्राप्त हो रहा था तो कहा रित शव... तृतीय समाज में अवर्णंत शब्द से उत्तरित शब्द होगा तो वहां पर गुण नहीं होगा वहां आर वृद्धि होगी वृद्धि हो तो क्या उन्हें सुखार्ता तो आर री को आर होता है सुखार्थ ये ध्यान रखेंगे ठीक है इसके लिए भी क्या है? वार्तिक है नंबर तीन देख लीजिएगा अच्छा एक सूत्र रह गया है। समासे तृतीय वार्तिक है ऋत शब्द के पैरते तृतीय समाज में क्या होता है गुण नहीं होता है वृद्धि होती है इसका भाव ये है और ये दूसरा वाला अच्छा। सूत्र था हमारा ये दूसरा यहां टिप्पणी थी ये वाला नाम धातु वाला यहां पर कौन सा सूत्र लग रहा था ये लग रहा था वाहप्या है।, है ये ऐसा है आचार्य के मत में सुबंध धातु के परि नाम धातु के परिरतें विकल्प से होता है ये वाला सूत्र यहां विकल्प कर रहा था वाहप्या पिशलेह ठीक है थीके? तो ये यहां पर इन्होंने ये बताया था वहासुप्याल में विकल्प से कर दिया था ये ठीक है चलिएगा ये हो गया अब है हमारा एक नियम और बचा है इसमें बस उसको भी कंप्लीट कर देते हैं पूरा ठीक है पूरा कर देंगे चार नंबर चार टिप्पणी है किसी पद के अंत में रहें पद माने किसी संस्कृत के जो पद होता है अंतम पदम पूरा शब्द रूप उसके अंत में रहे माने शब्द रूप के अंत में तो नहीं माने जो प्रातपदिक है उसके अंत में रहे ठीक है तो शब्द के अंत में रहे और इनके बाद आ जाए मतलब बाद वाला शब्द आ, उसका पहला अक्षर क्या हो जाए री तो विकल्प से ह्रस्व हो जाता है तो क्या हो जाता है इनको विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा ठीक है विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा और संधि नहीं होगी ये भी है क्या होगा विकल्प से ह्रस्व हो जाएगा यदि पहले से ह्रस्व तो वह भी फिर से ह्रस्व माना जाएगा माने ये जो हरस्व है इसको दोबारा फिर हरस्व करेंगे इसको भी हरस्व करेंगे दीर को तो हरस्व करेंगे ही यदि पहले से कोई वर्ण हरस्व है तो भी उसको हरस्व करेंगे इसका लाभ क्या है इसका लाभ अभी बता देंगे ये माना जाएगा और इस प्रकार हुई हरस हुई हरस्व विधि में फिर दूसरी संधि नहीं होती है अर्थात फिर हृस्व हो गया ये और फिर री के साथ में कोई भी संधि नहीं होगी री अलग रहेगा और वर्ण अलग रहेगा इसे प्रकृति भाव कहते हैं इसे कौन सी संधि कहते हैं प्रकृति भाव संधि भाव अर्थात संधि होती नहीं उसमें फिर अलग अलग ही रहते हैं यह नियम ध्यान रखेंगे यह नियम गुण संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है ये वस्तुता जो संधि है वो क्या करता है ये गुण संधि कह रहे हैं वस्तुता गुण संधि नहीं गुण संधि नहीं ये ये करता है आपका गुण संधि और यण संधि क्या संधि गुण संधि और यण संधि यण संधि का विकल्प करता है अर्थात जैसे यह मानिएगा आ आ के बाद में यदि री आएगा माने बाद वाले शब्द का आदि वर्ण री आएगा तो तो गुण संधि का विकल्प करेगा मैंने एक बार होगी एक बार नहीं होगी और ई और ई के बाद उ, उ के बाद यदि आएगा तो क्या हो जाएगा यण संधि ठीक है अच्छा एक और विकल्प इसमें रे री, री के बाद आएगा तो दीर्घ संधि तो तीन का तीन का विकल्प कर रहा है वास्तव में क्या कर रहा है गुण संधि और ये आपकी दीर्घ यण संधि यण और ये दीर्घ दीर्घ संधि माने तो इन वर्णों के साथ में यदि री की ये तीन संधि प्राप्त, तो प्राप्त, प्राप्त, प्राप्त होंगी इसके इनके साथ में तो गुण संधि प्राप्त होगी री की इनके साथ में इन चार के साथ में क्या संधि प्राप्त होगी यण संधि प्राप्त होगी ठीक है यण संधि अभी पढ़ेंगे और इनके री और री के साथ में इसकी क्या संधि प्राप्त होगी दीर्घ सवर्ण संधि तो एक बार तो हो जाएगी एक बार नहीं होगी अभी यहां पर गुण का प्रकरण चल रहा है तो केवल और केवल हम इसका दिखाएंगे बस इनका ये दीर्घ संधि में चला जाएगा और ये इण संधि में चला जाएगा ठीक है आइएगा अब ये इन्होंने गुण संधि कहा है यहाँ पर गुण यण दीर्घ संधि का विकल्प प्रस्तुत करता है ये सूत्र ऐसा कहना चाहिए देखिएगा कुछ मैं उदाहरण बता भी देता हूं आपको ये सूत्र है इसका सूत्र बता देते पहले सूत्र ये है रित्य कहा ठीक है रित्य कहा रिति परे पदांता का प्रागवत इसका अर्थ है रित के परे रहते रिकार के परे रहते पदांत में अंत में जो अक है माने आ आ ई उ, 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 और री कहीं मिलता नहीं तो उसको प्राकवत, प्राकवत माने जैसे पहले वैसे वैसे रहते कोई संधि नहीं होती है ठीक है अब इसका उदाहरण देख लीजिएगा ये जैसे ब्रह्मा और ऋषि यहां पर क्या रहेगा ये आ गया तो ये ऐसा ही रहेगा ब्रह्मा और ऋषि अलग अलग रहे वो क्या कहता है ह्रस्व हो जाएगा इसको क्या हो जाएगा दीर्घ को ह्रस्व हो जाएगा और फिर इसके साथ में कोई संधि नहीं होगी ये अलग अलग ही रहेगा ठीक है एक बार ये क्या है विकल्प से करता है तो यहां तो अब दूसरी बार संधि हो जाएगी संधि हो, हो जाएगी तो गुण हो जाएगा ब्रह्म ऋषि क्या बन जाएगा ब्रह्म ऋषि यहां गुण हो गया और हो गया ऐसे सप्त प्लस ऋषि नाम तो क्या हो जाए सप्त ऋषि ऋषि नाम, तो नाम। यहां पर नहीं हुआ इस हृस्व को हृस्व भी होगा दोबारा हृस्व को हृस्व हो गया और फिर संधि नहीं हुई है और जब इसको संधि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा सप्तर तो आ और री को अर हो गया, तो सप्तर ठीक है ये हो गया अब मैं आपको दूसरे जो उदाहरण मिलते हैं वो दिखा देता हूं सभी उदाहरण तो नहीं मिलते हैं ठीक है सीधी बात है ये आप देखिएगा जैसे एक और यहां उदाहरण देख सकते हैं जैसे ये है खटवा प्लस ऋष्या ये है उदाहरण दिया इसमें तो यहां पर क्या हो जाएगा इसको हृस्व हो जाएगा तो क्या बन और ये हो गया और एक बार संधि हो जाएगी क्या है एक बार हो जाएगी तो क्या बन जाएगा खटवर श्या आ और ऋ को क्या हो जाएगा आर हो जाएगा तो खटवर श्या बन जाएगा क्या बन जाएगा खाटवा ऋष्या ऐसा बन जाएगा दूसरा दूसरा मैं दिग वाला बताता हूं आपको जैसे होत्री और ऋष्या ठीक है अब यहां पर क्या है इससे से क्या हुआ रिकार की परिवृत्ति रिकार को हस्व हो गया हृस्व को हरस्व हो गया तो संधि नहीं होगी ऐसा कहेगा हो त्री ऋष्य और एक बार दीर्घ संधि हो जाएगी ये दीर्घ संधि आकाश सवर्ण तो हमने बताया सवर्ण दीर्घ संधि तो एक बार क्या बन जाएगा ये होंत्री श्या दीर्घ हो गया ये तो दीर्घ संधि का भी अपवाद है बस इतने ही उदाहरण दिए और बाद में और कहीं कोई उदाहरण मिलते हैं एक एण का भी बता देता हूं मैं का ये दीर्घ का हो गया तीनों ही आ जाते हैं एण का जैसे ये है कुमारी कुमारी और ऋष्य ठीक है अब यहाँ पर क्या प्राप्त है एक ये संधि प्राप्त है तो इसने क्या कर दिया रही इसके इसको कर दिया क्या कर दिया हरस्व कुमारी ऐसा कर दिया और कहा अब इसमें संधि नहीं होगी ये ऐसा ही रहेगा ऐसा ही रहेगा और एक बार संधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कुमार या कुम ऐसा बन जाएगा कुमा और ये कुमा ये या हो गया ये जाए कुमार ए ऐसा बन जाएगा कुमार यहा ऐसा बन जाएगा तो ये जो अपवाद है ये क्या है गुण संधि दीर्घ संधि यण संधि तीनों संधि का है ठीक है तो ये हो गया ठीक है अब इतना ये गुण संधि का हमें समझ लेना है कि गुण संधि कहां होती है और कहां, कहां नहीं होती है संपूर्ण गुण संधि का पढ़ा दिया मैंने गुण संधि में कहां, कहां मना किया गया है वो भी बता दिया और कहां कहां कहा है वो भी बता दिया अब इससे अतिरिक्त अतिरिक्त कहीं पर भी गुण संधि में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको आपने ये पूरा पक्का कर लिया समझ लिया अर्थ इसको रटना तो नहीं है रटना रटा नहीं जाएगा ये ध्यान रखेंगे एक बार आपको दिमाग से निकालना इन चीजों को फिर आप साहित्य पढ़ेंगे तब आपको साहित्य में समझ में नहीं आए तब आप यहां पर फिर दोबारा देखेंगे इसलिए पुस्तक का होना आवश्यक है क्योंकि हर बार वीडियो तो नहीं देख सकते आप हैं वीडियो तो नहीं देख सकते हर बार तो पुस्तक में बाद में आपको आराम से समझ में आ जाएगा अभी इस पुस्तक का समझ में आ गया तो फिर बाद में पुस्तक देख करके आप आराम से वहां पर समझ पाएंगे साहित्य में ठीक चलिएगा तो ये गुण संधि समाप्त हो गई अब हमारी अगली बार आएगी अगली कक्षा में वृद्धि संधि ठीक है अब वृद्धि संधि पढ़ेंगे आज की कक्षा हमारी क्या हुई गुण संधि चलिए सर्वेभ्यो नमः